वक्त काम है तो जस्ट इग्नोर दैट फैक्ट, बट जो डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो यूँ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो प्लेइंग इलेवन होने वाली है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में जो कि भारत के अगेंस्ट है उसके बारे में बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। अपडेट्स भी आ रही हैं कुछ, मैंने वो डिस्कशन करी थी, वो आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। साथ ही में एक हंगामी मीटिंग बुलाने का फैसला कर लिया गया है और उस मीटिंग में क्या क्या फैसले होने जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आपने एंड तक जो है लास्ट में देखना है। चैनल पर जो भी पहली बार आया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन प्रेस करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। स्टार्ट करते हैं जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले मैं आपको बताना चलता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो प्लेइंग इलेवन हमने एक्सपेक्ट की थी कि भाई शादाब भी होंगे तो सही, अभी भी होंगे शादाब को कन्फर्म होंगे, हारिस रऊफ का हो सकता है ना, हो सकता है बट हारिस रऊफ भी होंगे, पहला मैच खेलेगा हारिस रऊफ। हफीज का हमें सुना था होंगे वो भी होंगे, बट जो सीनियर्स होने चाहिए वो चार है मेरे ख्याल से जो कि नहीं होंगे। सीधी बात है यार, मोहम्मद नवाज को खेलना चाहिए शादाब खान की जगह। शादाब खान नहीं अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी रिसेंट फॉर्म बिल्कुल अच्छी नहीं है। आई बॉलर मतलब डाई हार्ड सपोर्टर ऑफ शादाब खान, बट राइट नाउ शादाब खान इज लिटरली आउट ऑफ फॉर्म फ्रॉम अराउंड एन एंड हाफ, और वो खुद ही एडमिट कर चुके हैं कि मैं अपनी बैटिंग एनहांस करने के चक्कर में अपनी बॉलिंग को खो बैठा हूँ। मतलब आपने बैटिंग पाकिस्तान को नहीं दी, आपकी बॉलिंग चाहिए, ड्यू में आपसे बॉल ग्रिप नहीं हो रही है, ड्यू में आप बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं करवा सकते। ईशान किशन, हार्दिक पांड्या आपको खरे खरे छक्के मारेंगे, फॉर्म वापस ले आएगा अपना हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव। तो शादाब खान पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे साबित हो सकते हैं। कल भी उन्होंने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की थी और शादाब की बैटिंग की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है। बैटिंग की जरूरत है, मोहम्मद वसीम जूनियर को लाया 20 बॉल में 50 रन करके देगा वो आपको, खिलाओगे तो आप उसको भी नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल शादाब खान को होना चाहिए, उनकी जगह मोहम्मद नवाज को लाएं तो फिर भी बेहतर, लाइन लाइन पे बॉल करवा लेते हैं, ड्यूस उनको होता है पर इतना ज़्यादा नहीं होता जितना शादाब खान को इफेक्ट होता है। और मोहम्मद नवाज बेहतर बैटिंग कर रहे हैं शादाब खान से, मिडल ऑर्डर में भी और नंबर 6 पे भी, नंबर 7 पे भी, वो बैटिंग की कमी भी पूरी करके देंगे आपको, ठीक हो गया। जिसके बाद हारिस रऊफ, हारिस रऊफ यार बिल्कुल इस वक्त पैथेटिक किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं वो। उनका नेशनल T20 का बच्चा चला गया, वो उस पर बात नहीं करेंगे हम, बट 32 रन 1 विकेट जिस पिच के ऊपर 25 रन देने चाहिए, चले माफ़ किया, पाकिस्तान जीते मैच ओके। पिछले मैच में सेकंड लास्ट ओवर में आप 18 रन दिए और आपको लास्ट ओवर नहीं दिया गया, क्या वजह हारिस रऊफ को लास्ट ओवर नहीं दिया, कोई सेंस बनती है? एज हसन ये जनरल लास्ट ओवर बॉलर, आप तो हारिस रऊफ को पोर्ट्रे करते हो हारिस रऊफ इज लास्ट ओवर बॉलर, करते हो नहीं करते हो? करते हो ना आप, द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। हसन अली को किसने कहा कि ये डेथ ओवर्स का स्पेशलिस्ट है, हारिस रऊफ को कहा जाता है ना, क्यों नहीं करवाया आपने आखिरी ओवर, बचाना था ओके, बट हारिस रऊफ को नहीं होना चाहिए टीम के अंदर। शाहनवाज धानी चले आप लेके नहीं आ सकते, वैसे पाकिस्तान को क्या वो किसी को इंजर करवा दो यार, शाहनवाज धानी को हमने लाना है पर आप नहीं लेके आ सकते आप, बट यू कैन ब्रिंग इन मोहम्मद वसीम जूनियर जो कि आपको बैटिंग में भी एज दे देंगे, जो कि आपको बॉलिंग हारिस रऊफ से बेहतर करवा देंगे। बेशक उन्होंने पिछले मैच में बुरी बॉलिंग किया है, एग्री ऑन दैट फैक्ट, बस बेहतर करवा देंगे। उसके बाद ये शोएब मलिक और हैदर अली में से शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज में से एक को खेलना चाहिए, बेशक आप शोएब को बिठाओ हैदर हफीज को बिठाओ, दोनों की फारिक फॉर्म है, मैं नहीं मानती यार एक अच्छी में एक बुरी में, दोनों फारिक फॉर्म में है, हैदर अली को खिलाओ यार, खेलना चाहिए अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाओ। क्या कर रहे हैं मैथ्यू और वर्नर फर्नांडिस, अग्रेसिव माइंड सेट लाए हैं, दिखाएं हैदर अली को, लाएं टीम के अंदर नंबर 3 के ऊपर ना नंबर 4 के ऊपर खिला दो, फखर को आपने नंबर 3 पे खिलाने दो। तो वी वांट टू द लास्ट थिंग, हंगामी मीटिंग का जो मैंने आपको टाइटल में बताया भी है, इमरजेंसी मीटिंग। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप स्क्वाड जो कल हारी वार्म अप मैच जो कि बहुत बुरा हारी है, उस पर मीटिंग बनती है लेकिन उस पर प्रेशराइज होना बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्रिटिसिज्म होगा आपने उसको इग्नोर करना है, प्रेशराइज होना आपके ऊपर नहीं बनता है यहाँ पर। और प्रेशराइज होके एक मीटिंग बुलाई है जिसके अंदर फैसले किए जाएंगे, जिसके अंदर प्लेयर से पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, अब लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट निकलता है, लेकिन एक बहुत इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में लगे बेल आइकन प्रेस करें। 6000 सब्सक्राइबर्स अगले 24 घंटे के अंदर हो जाने चाहिए यार।